रुड़की में बढ़ते अतिक्रमण को रोकने और चौपट हो चुकी यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए तहसील सभागार में प्रशासनिक संयुक्त बैठक आयोजित की गई, जिसका नेतृत्व एसपी यातायात हरिद्वार और रुड़की ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने किया। मौजूदा समय में रुड़की में भयंकर जाम की स्थिति उत्पन्न है। हाईवे से लेकर बाजारों में जाम की स्थिति अतिक्रमण की वजह से बनी हुई है, तो दूसरी ओर यातायात व्यवस्था भी सुचारू रूप से नहीं चल पा रही है। जहां को ट्रैफिक लाइट 100 पीस बने हुए हैं, तो दूसरी ओर सीसीटीवी कैमरे भी 100 पीस का काम कर रहे हैं। एसपी यातायात मंजुनाथ का कहना है कि ट्रैफिक व्यवस्थाओं को नए प्लान के तहत सुधारा जाएगा। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रुड़की नीतिका खंडेलवाल का कहना है कि अतिक्रमण के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया जाएगा। अतिक्रमण कार्यों को अब किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में सभी को कड़े निर्देश भी दिए गए। प्राइम स्टोरी के लिए उत्तराखंड के रुड़की से मिकी जैदी की रिपोर्ट। तो हमने टारगेट्स अभी बनाया, स्मॉल स्मॉल टारगेट्स बनाए हमने, 4 या 5 स्पेसिफिक बिंदु है हमारा। 2 पार्किंग लॉट खुलवाना और छोटे मोटे चौक जहाँ पे बहुत ज्यादा चौक अड़ रहे हैं उनको ठीक करवाना। 24 तारीख को जब डीएम और एसएसपी साहब मीटिंग लेंगे, उसमें पूरा पब्लिक मीटिंग होगा और वो सारे बड़े बड़े डिसीजंस वहाँ लिया जाएगा। हमारा अचीवेबल टारगेट अराउंड 7 या 8 पॉइंट्स है, उसको हम अचीव कर लेंगे। से पहले जिनके बने होंगे वो हमें नहीं पता है, बट मेरे आने के बाद इस पे 3 महीने से ये जरूर है कि विचार बहुत बार होता है कि ट्रैफिक की हालत बुरी है, बट हमेशा कहीं ना कहीं एक स्टार्टिंग पॉइंट रहता है कि कहाँ से हम स्टार्ट करें और कहाँ से हम ट्रैफिक की व्यवस्था को सुचारू करें। जैसे कि अभी एसपी ट्रैफिक भी इन्होंने नया ज्वाइन किया और मैंने भी आज से 3 महीने पहले ही ज्वाइन किया है, और अब हमारे डीएम और एसएसपी साहब भी इस मुहिम में लग गए हैं कि हमें पूरे जनपद में ट्रैफिक की हालत को सुधारना है। तो इस हिसाब से चलते हुए छोटे छोटे टारगेट्स बनाए जाएंगे ताकि हम आने वाले 6 महीने में या 7 महीने में ट्रैफिक को बेटर तरीके से सेटल कर सकें।